हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एक नए और खूबसूरत दिन की शुरुआत हो गई और अभी हम हैं बैंकॉक में। बैंकॉक में जिस जगह हैं, यह बैंकॉक का सिटी सेंटर है। आप चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं। और फिलहाल अभी हमारा आज का जो प्लान है, यहाँ से कंबोडिया जाने का, यानी बैंकॉक से कंबोडिया जाने का। वो भी मात्र, मैं जो कंबोडिया जा रहा हूँ भारतीय करेंसी में, मात्र 100 रुपये में। अगर आप थाईलैंड आते हैं, बैंकॉक आते हैं, तो आप कंबोडिया 3 टाइप से जा सकते हैं। एक एयर से, जिसका टिकट लगभग इंडियन करेंसी में इस समय 10 से 12 हज़ार रुपये है। दूसरा ऑप्शन, आप यहाँ के बस से जा सकते हैं, जिसका किराया लगभग 2500 रुपये है। और तीसरा ऑप्शन, जिससे मैं जा रहा हूँ, बाई ट्रेन। बहुत ढूंढने के बाद मुझे पता चला कि कहाँ से ट्रेन जाएगी और कहाँ तक लेकर जाएगी। वो सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। और यहाँ का हमारे राइट साइड का नज़ारा देखिए यार, गजब का है। ये लोग जो गेम खेल रहे हैं, शायद इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा था और आप भी नहीं देखे होंगे। इनका बस एक पर्पज है, अपने आप को फिट रखना, और वो रख रहे हैं। थाईलैंड में हमने देखा कि रोड के किनारे बहुत सारे गन हाउस थे, जहां से थाई लोग बिना लाइसेंस के गन खरीद सकते हैं। अगर हम प्राइस की बात करें तो यहाँ के गन की प्राइस लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। ये जो गन है, ये सिर्फ थाई ले सकते हैं और अदर कंट्री के कोई भी इस गन को नहीं ले सकते। मैं आपको बता दूं कि हमारी ट्रेन है 1:05 पे और 12:40 हो गए। अभी भी यहाँ से 2 किलोमीटर मुझे पैदल जाना पड़ेगा बैंकॉक रेलवे स्टेशन, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। कहीं अगर ट्रेन छूट गया तो मेरा पूरा दिन नुकसान हो जाएगा। भाइयों, सामने स्टेशन दिखने लगा, बैंकॉक रेलवे स्टेशन। अभी हमारे पास 10 मिनट बचा हुआ है, बहुत भागना पड़ा यार। और सामने बैंकॉक रेलवे स्टेशन। बातें है, यहाँ पे जो ट्रेन चलती है ना, 1 सेकंड भी लेट नहीं होती। वो बहुत पंक्चुअल है, नहीं तो हम भागते नहीं। दिस ट्रेन विल गो कंबोडिया। कंबोडिया दिस ट्रेन और टिकट इन ट्रेन, इन ट्रेन के टिकट, नो टिकट। ओके, वेट वेट, आई एम कमिंग सर, आई एम कमिंग। एक्सक्यूज मी, 2 टिकट कंबोडिया। सुन भाई, 8 नंबर पे टिकट भी कट गया भाई। 2 टिकट का 98 रुपये लिया इन्होंने। 8 नंबर प्लेटफॉर्म कहाँ है? 8। बनलोंग बॉर्डर, नो नंबर 2। आगे का ट्रेन मिल गई और हम ट्रेन से निकल दिए। मुझे पता था ट्रेन जाएगी 1:55 पे, लेकिन यह जब मैं बाद में जाके इसको सर्च किया तो मुझे पता चला कि यह 1:05 पर जाएगी। तो फिर मैं जिस जगह पे था वहाँ से भागते भागते, आपने देखा ही होगा कि आकर हमने ट्रेन को पकड़ लिया। यहाँ से जो बॉर्डर है वो है 243 किलोमीटर, और अगर हम बस से भी जाएंगे तो 4 घंटे लग जाएंगे। नहीं, यह जो ट्रेन जा रही है 1:05 पे बैंकॉक रेलवे स्टेशन से बान क्लॉन्ग लुक बॉर्डर
जो कि कंबोडिया का बॉर्डर है। 5:17 पे हमें वहाँ पे छोड़ेगी। ये टीटी महोदय हैं। सबाई दी खाप कब खुल खाप टीटी महोदय ने इस पे अपना स्टंप लगा दिया और हमारे टिकट की जांच हो गई। यहाँ पे मुझे लगता है हमारे यहाँ के टीटी जैसे नहीं है कि मैं आपका चलान बनाऊँगा वगैरह वगैरह। योर इंग्लिश इज़ नॉट गुड, नो प्रॉब्लम। हमें क्या हुआ, अंग्रेजी नहीं आता, मनोभाव को तो समझते हैं। 76 ईयर। और यहाँ पे जो एक घर बने हैं ना, आप देखिए भाई साहब, ऐसे सटा के बने हुए हैं ना कि अगर थोड़ा सा भी आपका हाथ बाहर निकला तो एक कट जाएगा। यानी ट्रेन से और इनके घर के बीच की दूरी मात्र 2 से 3 इंच की है। Your ticket price? 49, same price. Oh, भाई अगर गलती से आप ट्रेन स्टेशन पे टिकट ना कटा पाएँ तो ट्रेन के अंदर भी ये टिकट देते हैं और मैं बताऊँ कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। इन्होंने हमें दिखाया कि आपका 49 रुपये का टिकट और हम भी आपको देंगे तो सिर्फ 49 रुपये में। बहुत बढ़िया यार, आपका कोई भी एक्स्ट्रा पेनाल्टी नहीं लगता है हमारे इंडिया की तरफ। ट्रेन से हम आए थे, मुझे कंबोडिया बॉर्डर तक पहुंचने में लगभग 1.25 घंटे यह ट्रेन लेट पहुंचाई है। और ये जो स्टेशन का नाम है बान क्लॉन्ग लुक बॉर्डर स्टेशन, आप देख रहे होंगे बान क्लॉन्ग लुक बॉर्डर स्टेशन का नाम है, जो कि 1:05 पर हम चले थे और अभी रात के हो रहे हैं और अप्रॉक्स 6:30 बज रहे हैं। यहाँ से थोड़ा दूर पर कंबोडिया बॉर्डर है, मैं इस जनाब के पीछे पीछे चल रहा हूँ। हेलो, सबाई दिखा आप। ओके, यू आर गोइंग? यस सर, आई विल सी माय फ्रेंड। ओके ओके ओके। एक्चुअली जो थाईलैंड लोग हैं इनके वीज़ा लगते नहीं हैं, मैं इन लोगों के पीछे पीछे निकल रहा हूँ। जैसा होगा मेरे साथ जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे पास अभी खूब टाइम है कंबोडिया के लिए, देखता हूँ बॉर्डर का क्या माहौल है, ऐसे लोग जा रहे हैं। जब मैं इमिग्रेशन कराने के लिए थाईलैंड बॉर्डर पर गया तो वहाँ पर हमसे मनी शो करने के लिए कहा गया। हमने $500 मनी शो कर दिया, उसके बाद वह मेरे पासपोर्ट पर आसानी से एग्जिट का स्टंप लगा दिए। लेकिन जब मैं कंबोडिया इमिग्रेशन कराने के लिए गया तो वहाँ का भ्रष्टाचार देखकर मेरा दिमाग घूम गया। वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था जिसकी वजह से इनका वीडियो हम शूट नहीं कर पाए। वहाँ पर जो वीजा की फीस थी वह $30 थी और यह चीज वहाँ के दीवारों पर भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। जब मैं वहाँ गया तो मुझसे $37 मांगा गया और 200 थाई बात अप्रॉक्स 500 इंडियन करेंसी में सर्विस चार्ज मांगा गया। और यह जब मुझसे मांगा गया तो हमने सीधा मना कर दिया। मैंने कहा कि यहाँ पे $30 लिखा है तो मैं $30 ही दूंगा। यह जो पैसा मुझसे मांग रहा था वह यहाँ का दलाल था। जब मैंने मना कर दिया तो उसने बोला ठीक है, आप इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने जाइए और उनसे यह बात बोलिए। मैं उनके सामने गया और इमिग्रेशन ऑफिसर जो था वह मुझसे बोला कि आपके पास कितने पैसे हैं सो करिए। मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने $200 निकाल के उनके सामने रख दिया। $200 देखते ही उसने बोला नहीं, मुझे $1,000 शो करिए। फिर मेरे पॉकेट में $1,000 भी था, मैंने उनके सामने निकालकर $1,000 भी रख दिया। उसके बाद उसने बोला ठीक है, अच्छा ओके ओके ओके, आप जाइए। फिर उसने मेरे पासपोर्ट पर स्टंप लगाया और 200 थाई बात सर्विस चार्ज लेकर मुझे जाने दिया। इतना भ्रष्ट इमिग्रेशन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं। भाई साहब, इमिग्रेशन हो गया और अभी हम लोग बाहर निकल आए। जितना ये लोग तमाशा किए हैं ना, वो टाइम लग गया। वो टाइम क्या, दोबारा आएंगे कंबोडिया? कभी हाँ कभी ना। कभी हाँ कभी ना। आप देख रहे हैं कंबोडिया गेट है जिसको क्रॉस करके हम लोग आ रहे हैं। फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस। दिस इज चिकन बीफ। बीफ खाने में
Main one. You have chicken or not? Chicken. Chicken have. Yeah. Chicken have. Yes. Chicken rice how much? Bài xe thành món mà ăn ông. 60 baht. 60 baht. Chicken, not beef, not buff. Only chicken and rice you told. One. Only chicken and rice. Okay. Yes. Not beef, not buff, not pork. Yes. Okay. Okay. Actually, रात के बज रहे हैं 9 और मैं हूँ अभी कंबोडिया में और यहाँ पे what is your good name? Kuntia. You are Cambodian. From Cambodia. ये मोहतरमा थोड़ा इंग्लिश जान रही थी तो थोड़ा सा बातचीत होने के बाद मैं यहाँ पे चिकन राइस बनवा रहा हूँ और भाई साहब ये वेजिटेरियन है वेजिटेरियन है इनके लिए सब्जी चावल का कुछ उपाय करवा रहा हूँ वो तो बेचारी कुछ समझ नहीं पा रही थी तो इन्होंने उसे ट्रांसलेट करके हेल्प कर दिया अब ये जानिए कौन सा वेजिटेरियन वेज खाएंगे चिकन भी है अंडा भी है वगैरह वगैरह सोचना नहीं है हमें ये जाना है कि हम वेजिटेरियन खा रहे हैं हमें एहसास करना है हम यहाँ पे वेज खा रहे हैं है ना यही ना ये नहीं देखना क्या बना रहे हो ये नहीं देखना है आने के बाद याद रखें हमने जस्ट बॉर्डर के सामने ही एक होटल ले लिया ये हमारा रूम है पहले हम रूम को दिखा दें ये सोनी साहब हम लोग कितने का रूम लिए अपन 1200 डॉलर का लिए थे 1200 डॉलर में सॉरी 12 डॉलर के बर्न एक 15 डॉलर है 15 डॉलर ये जो रूम हम लिए हैं ये 15 डॉलर का है एसी लगा हुआ है एसी लगा बढ़िया मस्त है मस्त। ये अच्छा लगा और तो बाकी का कुछ ही नहीं है 31 डॉलर का तो हम लोगों का वीजा है वीजा और वो मांग रहा है 37 डॉलर मैंने 30 डॉलर ओनली उनको दिया वीजा का और 100 थाई बात यानी 250 रुपए दिया सर्विस चार्ज उसके बाद आके लाइन में लगे अब यार मैं बता दूं कि अगर इस बॉर्डर से कभी आइए मतलब हमारा ये कहने का है जिस जगह है इंडिया में करप्शन है ना वो कंबोडिया में ही करप्शन है नहीं इंडिया में करप्शन तो एक सीमा तक है ऑफिसर के सामने तो नहीं होता है ना ऐसे मैं आपको बता दूं यहाँ का ऐसा करप्ट ऑफिसर मैंने अपने जीवन में नहीं देखा वो हंस रहा है और ये पैसा जब मांग रहा था और बल्कि हमारे पीछे दो अंग्रेज आए 35 डॉलर था उससे लिया उसने 47 डॉलर 47 डॉलर लिया बताइए अभी घटनाएं घटी हम लोगों ने आपके साथ शेयर कर दिया बहुत गंदे लोग हैं सोच समझ के आइए अपने आइडियाज पे आइए और एक चीज जरूर रखिए कि आपके पास गजब के पैसे होने चाहिए कम से कम 500 डॉलर तो रख के ही आइएगा नहीं तो ये सब डिपोर्ट कर देंगे आपको डिपोर्ट कर दे 500 डॉलर कम से कम 500 डॉलर रख के आइएगा मतलब हमारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति यहाँ पे लगी है कैसीनो जस्ट भारत कैसीनो चलते हैं देखते हैं उसको भी हम दिखाएंगे आप लोगों को और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा अगर थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में तब तक के लिए।